मास्टरकैम के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरफ्रेम कमांड के बारे में। वायरफ्रेम कमांड में जो ऑप्शंस रहते हैं, शेप्स ऑप्शन, उसके अंदर अब तक हम पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर जितने भी कमांड्स रहते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं क्रिएट लेटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंडिंग बॉक्स, टर्न प्रोफाइल, और साथ ही साथ इसमें सिलेट बाउंड्रीज के बारे में। तो इनका क्या यूज़ होता है, किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है ड्राइंग में, या किस पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंडिंग बॉक्स के बारे में। बाउंडिंग बॉक्स का अर्थ हो गया कि कोई भी हमारा सपोज वर्क पीस है, तो उसके आउटर में जिस तरीके से हम रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं किसी भी बॉडी के लिए, तो उस टाइप में रॉ मटेरियल टाइप क्रिएट करने के लिए हम नॉर्मली बाउंडिंग बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सो बाउंडिंग बॉक्स का कैसे यूज़ होता है, बाउंडिंग बॉक्स का यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, देन जैसे ही मैं बाउंडिंग बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाता है कि सेलेक्ट, मैन्युअली सेलेक्ट करना है या ऑल्सो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल को या जो भी जहाँ पर मेरे को बाउंडिंग बॉक्स बनाना है उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना। सपोज़ मुझे यहाँ पर टोटल ओवरऑल रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक लाइन और शिफ्ट के साथ इसे दबा दूंगा तो पूरी की पूरी और ओवरऑल चैन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप शेप सेलेक्ट कर सकते हो कि एंड सेलेक्शन कर लेना है। एंड सेलेक्शन करने पर मेरा ये सिलेक्शन हो गया। देन यहाँ पर साइड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देता है कि आपको बाउंडिंग बॉक्स किस टाइप में चाहिए। यदि आपको रेक्टेंगल टाइप बाउंडिंग बॉक्स चाहिए तो इसका यूज़ कर सकते हो, तो रेक्टेंगुलर, और सिलेंड्रिकल टाइप बाउंडिंग बॉक्स चाहिए तो इस तरीके से। तो आप नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर ऑप्शन देता है, जब हम रेक्टेंगल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में आ जाता है, और सिलेंड्रिकल लेते हैं तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में आ जाता है। सिलेंड्रिकल के अंदर यदि सब पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल का लेने के बाद हमें यहाँ पर एक्सेस रहते हैं कि जितना हमारा एक्स एक्सेस है, क्योंकि अभी हमने इस एरिया को सिलेक्शन कर रखा है तो उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अंदर डायमेंशन आ रखी है। यहाँ पर हम चाहें तो इनको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अब मुझे यदि जेड एक्सेस में भी कुछ भी वैल्यू देनी है तो मैं जेड एक्सेस में भी वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर जेड एक्सेस में वैल्यू दी है तो जेड एक्सेस के अंदर में बाउंडिंग बॉक्स आ गया है। देन यहाँ पर आप पुश, नेक्स्ट वन रहता है आगे की तरफ एरो वैल्यू, एब्सोल्यूट में चाहते हो या इंक्रीमेंटल में चाहते हो, अर्थात जहाँ पर लास्ट पॉइंट है उससे आगे की तरफ या उसी से एक बेस पॉइंट से ही चाहते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि बोथ डायरेक्शन में चाहते हैं या एक सिंगल डायरेक्शन में चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वन रहता है क्रिएट ज्योमेट्री। क्रिएट ज्योमेट्री के अंदर आप बाउंडिंग बॉक्स हैं उसके चारों तरफ आप लाइंस वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कॉर्नर्स के जो पॉइंट हैं वो भी आप ड्रॉ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, सेंटर पॉइंट है वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो फेस है उसके सेंटर में आप पॉइंट्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा वर्क पीस बन रहा है वो आप सॉलिड चाहते हैं। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं। सपोज़ कि मुझे यहाँ पर फेस सेंटर पॉइंट्स चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं ये हमारा एक बाउंडिंग बॉक्स बन चुका है, और साथ ही साथ इसके अंदर फेस में जो भी थे हमारे फेस के सेंटर पॉइंट पे सभी जगह पर पॉइंट्स भी शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम बाउंडिंग बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक बार बात दिखा देता हूँ आपको कि सिलेंड्रिकल बाउंडिंग किस तरीके से बनाया जाता है। जिस तरीके से रेक्टेंगल में बाउंडिंग बॉक्स बनाया था उसी तरीके से हम सिलेंड्रिकल बाउंडिंग बॉक्स बना सकते हैं। सिलेंड्रिकल के जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने जैसे ही सिलेंडर पर क्लिक किया तो सिलेंड्रिकल शेप में बाउंडिंग आ गई। अब मुझे यहाँ पर कौन सा ओरिजिन पॉइंट अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रखना है, जैसे रेक्टेंगल में भी आप सेलेक्ट कर सकते थे उसी तरीके से यहाँ पर सिलेंड्रिकल में भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेंड्रिकल के अंदर रेडियस एंड डायमेंशन भी दे सकते हो, साथ ही साथ आप किस एक्सेस के अलॉन्ग चाहते हैं, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग चाहते हैं, वाई एक्सेस के अलॉन्ग चाहते हैं या जेड एक्सेस के अलॉन्ग चाहते हैं। जैसे मैं अब जेड एक्सेस के अलॉन्ग करता हूँ तो यहाँ पर जेड एक्सेस के अंदर ये थिकनेस को मेरे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यदि हम देखें तो अभी यहाँ पर जब हम एक्स एक्सिस में रहते हैं तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स रहते हैं हमारी जो हमने सब स्टार्टिंग में सिलेक्शन की थी एरिया को उसी के अकॉर्डिंग ये लेता है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इस बाउंडिंग बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मुझे बाउंडिंग बॉक्स सॉलिड चाहिए तो मैं सॉलिड पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो भी बाउंडिंग बॉक्स है वो सॉलिड टाइप में आ गया है। तो इस तरीके से बाउंडिंग बॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी वर्क पीस हमने सपोज़ या कोई भी ड्राइंग बनाया है तो उसके चारों तरफ हमें रॉ मटेरियल शेप लेना है तो उस पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बाउंडिंग बॉक्स के बाद अपना जो नेक्स्ट वन है
इसके बारे में बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं, और देन हम बात करेंगे टर्न प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूटेड बाउंड्री, तो इसका क्या यूज़ होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसका मेन यूज़ ये रहता है कि कोई भी हमने सपोज़ कोई प्रोफाइल बनाई है तो उसका आउटर पोर्शन जो है वो प्रोजेक्टेड होकर के हमारे प्लेन एरिए के ऊपर आ जाना चाहिए, उस पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैं ऑलरेडी एक प्रोफाइल जो है मैंने बना रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक सॉलिड बना रखा है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दे देता है कि सिलेक्ट सॉलिड बॉडी फेस और सरफेस, जो आपको सिलेक्शन करना है। यदि मुझे ओवरऑल पूरी की पूरा सॉलिड एरिया सिलेक्शन करना है, तो जैसे ही मैंने सॉलिड सेलेक्ट किया और एंड सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ, तो एंड सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। रीसेलेक्ट मतलब आप वापस उसमें सॉलिड सिलेक्शन करना चाहते हैं, टॉलरेंस कितना चाहते हैं, लॉक हेड कितना है, आर्क फिट चाहते हैं, स्पाइन फिट, जो नॉर्मली कुछ खास इनका यूज़ नहीं होता है। देन जैसे ही आप ओके पर क्लिक करके ओके करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल एरिया था या उसी का चारों तरफ से ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमम आउटर एरिया है उसको रीड करके हमारा जो प्रोफाइल या प्लेन है उसके ऊपर हमारा वर्क पीस बन गया है। जैसे ही मैं इसको मान लो सॉलिड को डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियरली दिखेगा। इसके अंदर क्या रहता है कि हमारा ओवरऑल बाहर का पोर्शन होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लेन एरिया के ऊपर आ जाता है। तो इसका नॉर्मल इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कोई सिलेंड्रिकल वर्क पीस बना रहे हैं या सिलेंड्रिकल 3D वर्क पीस है तो उसको ओवरऑल दिखाने के पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं टर्न प्रोफाइल के बारे में। टर्न प्रोफाइल जब हम सॉल्यूटेड बाउंड्री का यूज़ करते हैं तब ओवरऑल हमारा आउटर पोर्शन यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हम जब टर्न प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो टर्न प्रोफाइल का यूज़ किया जाता है कि सपोज़ हमारा कोई 3D मॉडल है, हमने 3D मॉडल कहीं और बनाया है, उसको इम्पोर्ट किया है और उसका प्रोग्राम सपोज़ हमें इसमें जनरेट करना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम टर्न प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हैं। टर्न प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें टर्न प्रोफाइल पर क्लिक करना है, देन हमें सिलेक्शन कर लेनी है बॉडी जिसको टर्न प्रोफाइल क्रिएट करनी है, देन हमें क्लिक करना है एंड सिलेक्शन पर। जैसे ही मैं एंड सिलेक्शन पर क्लिक करके ओके दबाता हूँ तो हमारे टर्न प्रोफाइल की प्रोफाइल बन जाएगी। अर्थात टर्न प्रोफाइल जब भी हम CNC मशीन में किसी भी वर्क पीस के लिए टर्निंग करते हैं तो हमें आधी प्रोफाइल ही रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरीके से ये भी यहाँ पर आधी प्रोफाइल को आउटर एरिया में यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेगी प्लेन के ऊपर। तो जब हम टर्न प्रोफाइल का यूज़ करते हैं तो हाफ साइड का ही एरिया अर्थात ऊपर का एरिया ही हमारा इसमें प्लेन के ऊपर क्रिएट होगा, और जब हम सॉल्यूटेड बाउंड्री का यूज़ करते हैं तो ओवरऑल प्रोफाइल एरिया को क्रिएट हो जाएगा। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे बाउंडिंग बॉक्स, टर्न प्रोफाइल और सॉल्यूटेड बाउंड्री के बारे में। इनमें से यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन रहे तो आप पूछ सकते हैं। यदि वीडियो की क्वालिटी या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे रिलीफ ग्रूव और रेजर टू वेक्टर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।